दोस्तों वेलकम बैक करते हैं आपको अपने इस चैनल मूवीज गैलेक्सी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ जबरदस्त किस्म की, कुछ आला किस्म की, कुछ अमेजिंग साइंस फिक्शन मूवीज जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और इन मूवीज में खास बात यह है कि ये सारी मूवीज हिंदी में भी अवेलेबल है और सारी मूवीज की स्टोरी लाइन वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन्स में आती है हॉलीवुड की मूवीज की। तो अगर आप हॉलीवुड के फैन है तो ये मूवी शुरू से एंड तक देखना। सो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 8th मूवी है हॉट टब टाइम मशीन। ये मूवी 2010 में है, एक कॉमेडी साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई है कुछ दोस्तों की जो काफी सालों बाद मिलते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक साथ मिलकर घूमने जाएंगे जहां पर ये लोग जवानी में जाया करते थे। ये लोग एक बाथ टब में बाथ ले रहे होते हैं लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि ये बाथ टब असल में एक टाइम मशीन है। ये लोग गलती से 1986 में पहुंच जाते हैं और मजे की बात इनकी टाइम मशीन भी खराब हो जाती है और फिर कैसे ये लोग वापस अपने टाइम में आते हैं वो ही आपको इस मूवी में देखना है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, जरूर देखना इस मूवी को, काफी अच्छी टाइम ट्रेवल मूवी है। मूवी को रेटिंग्स मिली है 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द प्रीडेटर। ये मूवी 2018 में है, एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक बच्चे की जिसको एक ऐसी डिवाइस मिलती है जिस डिवाइस को ऑन करने के बाद वो गलती से बहुत ही खतरनाक शिकारियों को अर्थ पर बुला लेता है और वो हंटर्स, वो शिकारी आए होते हैं उस बच्चे को मारने के लिए और उस डिवाइस को वापस दे जाने के लिए। ये जो मूवी है ये प्रीडेटर मूवी का एक सीक्वल है और बहुत जबरदस्त मूवी है। इस मूवी में एक्शन का तड़का भी है, एडवेंचर भी है और साथ में साइंस फिक्शन तो जरूर है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इस मूवी को रेटिंग्स मिली है 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है द मार्शियन। ये मूवी 2015 में है, एक एडवेंचर ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है कुछ इंसानों की जो पहली बार मार्स पर लैंड हुए होते हैं लेकिन अचानक वहां पर तूफान आ जाता है और उनको अपना मिशन कैंसिल करना पड़ता है। सब इंसान वापस अर्थ पर आ जाते हैं लेकिन एक इंसान, सिर्फ एक इंसान वही रह जाता है। तो फिर कैसे वो इंसान अर्थ पर वापस आएगा वही आपको इस मूवी में देखना है। इस मूवी में नासा का बहुत बड़ा किरदार है, उसको वापस लाने में नासा ने बिल्कुल ट्राई नहीं किया था कि हम उस इंसान को वापस नहीं लाएंगे अर्थ पर। तो ये काफी जबरदस्त मूवी है, जरूर देखना और हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स मिली है 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है रेडियस। ये मूवी 2017 में है, एक मिस्ट्री साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई है एक आदमी की जिसकी याददाश्त चली जाती है और इसके साथ एक बहुत मिस्टीरियस चीज हो रही है। वो ये है कि ये जिस किसी के भी करीब जाता है वो अगला आदमी, अगला बंदा मर जाता है। आखिर इसके साथ ऐसी कौन सी मिस्टीरियस चीज हो रही है वो आपको इस मूवी में देखना है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इस मूवी को रेटिंग्स मिली है 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है हमारी मार्वल की बहुत ही फेमस मूवी थॉर रैग्नारॉक। ये मूवी 2017 में है, एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मूवी में हमारे गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर लीड कैरेक्टर में है। मूवी में थॉर और हल्क का आमना सामना भी होता है जो इस मूवी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। लेकिन इन दोनों को एक प्रॉब्लम भी फेस आती है, वो प्रॉब्लम है थॉर की बहन मौत की देवी हेला की। हेला आई है एसगार्ड को तबाह करने के लिए और और हल कैसे रोकेंगे हेला को वो ये आपको इस मूवी में देखना है। इस मूवी का VFX टॉप क्लास है और जबरदस्त मूवी है ये। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इस मूवी को रेटिंग्स मिली है 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है 65। ये मूवी 2023 में है, एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में एक शिप 65 मिलियन ईयर्स पीछे चली जाती है। जी हाँ, मतलब टाइम ट्रेवल में कुछ मसला आया है और कुछ लोग उसे वहाँ ठीक करने जाते हैं लेकिन टाइम में गलती से पीछे चले जाते हैं और वो शिप एक खतरनाक प्लेनेट पर आकर गिर जाती है और सिर्फ एक आदमी बच जाता है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उस प्लेनेट पर डायनासोर और बहुत से खतरनाक क्रिएचर्स हैं जो उनको उसको बीच कैसे सरवाइव करने देंगे वो आपको इस मूवी में देखना है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इस मूवी को रेटिंग्स मिली है 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर।
नेक्स्ट मूवी है ड्रैगन किंगडम। ये मूवी 2018 में आई एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक कंट्री की जिस पे हमला होने वाला है और वहाँ के लोग अपने ओपोनेंट्स को डिफीट करना चाहते हैं, पर बीच में एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम है एक जगह की, जिस जगह से इनको जाना है वहाँ पर कुछ खतरनाक क्रिएचर्स और डायनासोर्स हैं, जो इनको उस तरफ किस तरह जाने देंगे वही आपको उस मूवी में देखना है। और ड्रैगन्स भी हैं, ये भी याद रखना, ये काफी अच्छी मूवी है, जरूर देखना इस मूवी को। सो फाइनली दोस्तों, हमारी फर्स्ट मूवी है इंडिपेंडेंस डे रिजर्वेशन। ये मूवी 2016 में आई एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों ये एक एक्शन मूवी भी है, मतलब इस मूवी में एलियंस अर्थ पर अटैक कर देते हैं और हर जगह तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी तरह इंसान एलियंस को हरा देते हैं, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन सोचने की बात ये है कि एलियंस ने एक बार अटैक किया है तो वो आइंदा भी अटैक करेंगे, तो इसी का ही डर था, तो एलियंस अर्थ पर दोबारा अटैक कर देते हैं। अब आपने ये देखना है कि इंसान कैसे सर्वाइव करते हैं एलियंस के साथ, मारते कैसे हैं, वो तो मेन प्लॉट है इस मूवी का। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इस मूवी को रेटिंग्स मिली है 5.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।